बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। भारत ने एक बदला लेने वाले मुकाबले में यहां पर न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी है और इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल में भी भारत ने तगड़ी छलांग लगा दी है। छलांग की बात यह है कि दरअसल भारत को बहुत ज्यादा यहां पर सिर्फ एक ही मौका था कि आपको हराना है न्यूजीलैंड को, तो फिर पॉइंट्स टेबल की लड़ाई जो है वो आपके लिए दिलचस्प हो जाएगी। और यहां पर भारत ने किया भी वही। पॉइंट्स टेबल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर न्यूजीलैंड को भारत ने करारी शिकस्त दी और जो एक आईसीसी इवेंट का सिलसिला चल रहा था कि हमने अभी तक न्यूजीलैंड को हराया नहीं था, उस बदले को पूरा किया और यहाँ पर भारत की इस जीत के नायक थे विराट कोहली, जिन्होंने शानदार पारी खेली, और गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, जिन्होंने 5 विकेट झटके। बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की लेटेस्ट अपडेट की, तो भारत इस वक्त नंबर 1 हो चुका है। 5 मुकाबलों में 5 जीत भारत की आ चुकी है। नंबर 2 पर न्यूजीलैंड की टीम है, उसके अलावा नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका की टीम है, नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 पर आपको पाकिस्तान दिखेगी, नंबर 6 पर बांग्लादेश, नंबर 7 पर नीदरलैंड और नंबर 8 पर श्रीलंका, नंबर 9 पर आपको इंग्लैंड दिखेगी और नंबर 10 पर अफगानिस्तान, जिसका कल मुकाबला है पाकिस्तान से, तो शायद वो भी वहां पर ऊपर आ जाए। तो ये अपडेट है पॉइंट्स टेबल को लेकर और उम्मीद करेंगे लगभग भारत का, देखिए जो फाइनल में पहुंचने का यानी कि सेमीफाइनल में पहुंचने का जो एक ट्राई कोशिश है उसमें भारत लगभग सफल रहा है। 5 मुकाबले जीत गए और एक मान के चलिए कि भारत का सेमीफाइनल पक्का हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल 7 मुकाबले जीतने पर आपका सेमीफाइनल हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या है कि कई टीमों मुकाबले हार गई हैं, यानी कि सभी टीमें अपनी अपनी एक एक मुकाबले जीत चुकी हैं, तो हो सकता है कि 5 या 6 मुकाबले जीतने पर भी आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो भारत के लिए अच्छी खबर आ चुकी है धर्मशाला से, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत, और यहां पर भारत ने पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाकर नंबर 1 पर पहुंच गया है और इसके साथ ही उम्मीद करेंगे भारत का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल भारत की जीत कैसी थी आपको ये न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले की कमेंट करके जरूर बताएं।